ओरछा राजा राम की नगरी। ये नगर जितना अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिहाज से भी मध्य प्रदेश में इसका अलग स्थान है। लेकिन ओरछा के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई है और वो ये है कि यहाँ का एक गांव लालपुरा UNWTO की बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल किया गया है। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला ये शहर है ओरछा, जहाँ के राजा भगवान राम हैं। इस नगरी के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से तो दुनिया परिचित है और यही वजह है कि ओरछा को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए किए गए प्रयास अब रंग ला रहे हैं। यहाँ का लाड़पुरा गांव अब पूरी दुनिया की आंखों का तारा बन गया है और इसकी वजह है इस गाँव को UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नामांकित किया जाना। आपको जानकर गर्व होगा कि UNWTO की सूची में भारत के 3 गांव नामांकित किए गए हैं, जिनमें मेघालय का कांगटोंग, तेलंगाना का पाचमपेली और ओरछा का लाड़पुरा शामिल है। इस गांव में आते ही आपको बुंदेलखंड की संस्कृति, खान पान और यहाँ के रहन सहन से रूबरू कराया जाता है, जो अपने आप में बेहद अनूठा अनुभव है। उनको हम घर जैसा ही वातावरण जो हमारे बुंदेलखंडी गांव में रीति रिवाज और उनके हिसाब से जो हमारे घर आने वाले मेहमानों के तरीके से उनके साथ हम व्यवहार करते हैं और वो उन्हें अच्छा भी लगता है क्योंकि घरेलू तौर से रहने पे उन लोग को भी अच्छा लगता है। ये पहली बात यह है कि हम पूरे गाँव के लिए बहुत उत्साह और हर्ष की बात है और हम सभी बहुत खुश हैं और हाँ निश्चित रूप से ये टूरिस्ट बढ़ेंगे। लाड़पुरा को इतना लाड़ और दुलार मिल रहा है कि यहाँ के रहवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़पुरा की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। लाड़पुरा गांव के युवा सरपंच दिलीप कुशवाहा अपने गांव को मिली इस उपलब्धि से काफी उत्साहित हैं। वो बताते हैं कि उनके गाँव में पहाड़, नदी और ऐसे विलेज होम स्टे हैं जिन्हें देखने केवल देशी ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी आ रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गांव विकास की बुलंदियों पर पहुंचेगा। बड़ी खुशी की बात है मेरी ग्राम पंचायत के लिए, इसमें रोजगार भी बढ़ेगा और भी आदमी की जो है रोजगार के लिए आदमी को काम भी और भी जैसे गांव का विकास भी बढ़ेगा इसमें। देखिए बुंदेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड की संस्कृति और खान पान काफी वर्षों से लोगों को प्रभावित करते आए हैं। इसमें लालपुरा खास गाँव और ओरछा के आसपास बने जो गाँव है उसमें टूरिज्म एमपी मध्य प्रदेश पर्यटन को काफी सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने इन गांवों का चयन किया, इन गांवों में होम स्टे बनवाए और इन गांवों को एक गाइड के नाते मैं देखता हूं जो गेस्ट वहां जाकर होम स्टे में रुकते हैं वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर और डिफरेंट फीलिंग के साथ आते हैं। कुल जमा बुंदेलखंड की जितनी अनूठी संस्कृति है उतना ही गौरवशाली है बुंदेलखंड का इतिहास और लाड़पुरा आकर पर्यटक इन तमाम खासियतों को जानते ही नहीं बल्कि जीते भी हैं, तो उन्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लाड़पुरा ने न केवल विश्व के पर्यटन नक्शे पर अपना नाम कमाया बल्कि मध्य प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट।